NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने यहाँ नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जो अगले साल से शुरू होने वाले 4 साल ग्रेजुएशन प्लस बीएड, जो इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो रहा है 4 साल का, उसके बारे में है। आप यहाँ देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस है। इस पब्लिक नोटिस में हम आपको बताते चलें, इसमें पात्रता दे रखी है कि एडमिशन जब होगा 4 साल बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, तो उसमें किस तरह एडमिशन होगा और इंस्टीट्यूशन है क्या, उनके रूल रेगुलेशन होने चाहिए, और उसमें जो टीचर लगेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, उनकी क्या योग्यताएं हैं, सब कुछ यहाँ इंक्लूड कर रखा है। और इसमें रही बात उनकी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और या सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड ईयर में हैं, उनका इसमें मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना ज़रूर है उनके लिए कुछ अलग सीट्स का प्रावधान करने की उम्मीद है। उसका भी कुछ दिन में पता चल जाएगा, जब 17 शुरू होगा नेक्स्ट ईयर 19 में, उससे पहले ये पता चल जाएगा। आइए, क्या है इसमें नोटिफिकेशन में, हम देख लेते हैं। रेगुलेशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें रूल और रेगुलेशन यहाँ डाल रखे हैं, हम देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। ये देखिए, यहाँ बताया गया है कि ये 10 जमा 2 के बाद होने वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो आर्ट स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में ऑफर कर रहा है NCTE। इसकी फ़ीस वगैरह का ये है, जो भी NCTE फीस लागू करेगा और जो विभिन्न राज्य सरकारें करेंगी उनके संबंध में कहा गया है, वही फीस लागू होगी। यहाँ फीस के बारे में बताया अभी नहीं गया है। ये 4 साल का होगा आर्ट और साइंस स्ट्रीम से संबंधित, और अगर आप 4 साल में क्लियर नहीं कर सकते हैं ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो आपको 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, यानी 6 साल तक आप एडमिशन लेने की तारीख से 6 साल तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या होगी उसके बारे में दे रखा है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में दे रखा है, फीस वगैरह क्या होगी जैसा हमने आपको बताया वो यहाँ इन्होंने दे रखा है। फैकल्टी के बारे में बता रखा है, एडमिशन के बारे में यहाँ देखिए, एडमिशन के बारे में बता रखा है कि 10 जमा 2 50% के साथ होनी चाहिए आर्ट और साइंस स्ट्रीम में, या जो +2 के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री हो उसमें 50% के साथ होगा जनरल में, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनमें जो राज्य और केंद्र सरकार में संबंधित जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होगा ही। यहाँ फैकल्टी के बारे में बताया गया है कि ये फैकल्टी होगी, आप पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, आपको लेटर मिलेगा। फैकल्टी के बारे में बताया कि ये फैकल्टी होगी और फैकल्टी की क्या क्वालिफिकेशन हो रहेगी, प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी यहाँ पूरा बताया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने नोटिस निकाल दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 2019 टू 2023 के लिए। अब ये क्लियर हो गया है कि अगले सेशन से, नेक्स्ट सेशन से 4 साल का जो ये प्रोग्राम है ये कंफर्म है, स्टार्ट होगा, और जो कैंडिडेट रहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जिन्होंने कर ली है, उन जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करें, उनके लिए नोटिस एनसीटी ने अभी तक नहीं डाला है, लेकिन इतना ज़रूर है उनके लिए कुछ सीटें ज़रूर होंगी। यानी ये नहीं है कि उनको फिर से 4 साल का करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ मिलेगा। ये कंपोजिट प्रोग्राम शुरू होगा और जो भी इंस्टीट्यूशन इसकी मान्यता लेना चाहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि आप 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एनसीटी द्वारा कहा गया है कि ये जो कोर्स वो अपने इंस्टीट्यूट में अगर चलाना चाहते हैं। सेशन होगा एकेडमिक सेशन 2019 टू 2023। यह मोबाइल नंबर है, जो भी इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो इन पर कॉन्टेक्ट कर ले। ये सभी जो नोटिस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे। जो भावी अध्यापक हैं, अध्यापक लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये। और बीएड, एमएड या जो भी अध्यापक से संबंधित नोटिस हैं या न्यूज़ है, कोई अपडेट है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपसे वो न छूटे। इसमें हम या एक और इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर ज़रूर कर लें कि अब की बार जो नेट होने वाला है, यूजीसी नेट जो अभी दिसंबर में प्रस्तावित है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका अभी तक यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है आपका जो भी सब्जेक्ट हो, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्लियर कीजिए और अभी वैकेंसी निकलेंगी बहुत ही ज़्यादा संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए काफ़ी संख्या में निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण एक ये है, क्योंकि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने जा रही है नेक्स्ट सेशन से, तो ये बड़ा ही क्रूशियल एग्ज़ाम होने वाला है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप एजुकेशन से संबंधित हैं, एजुकेशन एमएड बीएड है आपके पास, या फिर आप पोल साइंस से हैं, या फिर आप साइकोलॉजी से हैं, आप सामाजिक अध्ययन से हैं, इसमें सब कुछ दे भी रखा है नोटिस में, तो आपके लिए सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपके चांसेस बनेंगे अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो, और अगर आपके पास पीएचडी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप तैयारी रखें और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस बात की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।